हाँ वो देख लो, पता चला नीचे फूट गया है ऊपर की जगह। अबे अंगा टाउन दिख नहीं रहा है, सब फुलझड़ी ही दिख रहा है, फेस किसी का नहीं दिख रहा है। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। चलो ओके, चलो सब गुड नाइट। सब जा रहे हैं, ये लोग आए थे सब सेलिब्रेशन करने, अब मैं जा रही हूँ सोने। हम पता आधी नींद से उठ कर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह है, उठ गए हैं अभी 7:30 या 8 बज रहे होंगे, मैंने टाइम भी नहीं देखा है। मम्मी किचन में नाश्ता बना रही है और मिशू को मैंने ना मंकी कैप लगाया है, क्योंकि वो कैप रखती नहीं है, लगाने से कैप ना खींच के निकाल देती है। ये कैप निकालने का बहुत ट्राई किया इसने बट नहीं निकाल पाई है। मिशू कम, मिशू कम, कम मिशू, कम कम कम, बहुत क्यूट लग रही कैप पहन के। मिशू 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 मिशू, कौन बेबी? देखो ये कौन बेबी है? क्यूटूची, मेरी दो क्यूटी पाई है, एक छोलू एक मीचू, टू क्यूटी पाई। क्या हुआ मिशू? नन्ना नहीं पढ़ना था तुमको? मिशू मिशू तो सुबह उठ के ना हम लोग थोड़ा वॉक करते हैं यहाँ पे, अलीना मैं और मिशू तीनों है ना मिशू, हम लोग वॉक करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। मिशू मिशू मिशू, मैंने अभी तक मतलब ब्रश भी नहीं किया, सुबह उठ के मैंने फ़ोन उठा लिया ना, ब्लॉगिंग स्टार्ट ना करूँ ना फिर स्टार्ट ही नहीं होता है, इसलिए मिशू सबको देख रही है आते जाते लोगों के यहाँ पे, तो बाइक लेके आ रहे हैं जा रहे हैं सबको देख रही। मिशू हे मिशू, दे 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 मिशू, इसको कोड नहीं चाहिए, इसको खोलना है, इसको खोलना है। देखो दादी माँ, दादी माँ, देखो दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, देखो विशु, दादी माँ, देखो दादी माँ, वहाँ पे बोल रही, वहाँ पे मम्मा है विशु। Michu, you look so cute. You look so cute. Michu, Michu. अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ Michu, 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 कुछ Michu, doom, Michu, doom, Michu, doom, 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 mama, doom. Michu, jingle bells, jingle all the way. Michu dance करती है. Jingle bells, jingles all the way. बड़ा है बस। अभी सॉक्स लाए तुम्हारे लिए, बड़ा सॉक्स रहने दो, पहनी है वाला अभी ठीक है, अभी रहिए ना, पहने दो, यहाँ रहने दो सॉक्स। अलीना कितनी कह रही है मिशू के लिए सॉक्स लेकर आई, वो सॉक्स खुल रहा था ना पैर से उसके। मिशू जिंगल बेल्स जिंगल्स ऑल द वे, मिशू जिंगल बेल्स जिंगल बेल्स, नहीं मिशू हाथ मत लगाओ, हाथ लगाने से ना फिर खोलने का मन करता है। क्यूटी पाई मिशू, देख रही है कर क्या रही है वो। मिशू हाय मिशू, कम कम कम
कम इशू तो यहाँ बन रहा है डोसा और ये बैटर जो है ना मम्मी ने रात में तैयार किया है क्योंकि इडली डोसा बनाने के लिए पहले से प्रिपरेशन करना होता है और बाद में स्मूथली पीस लिया है इसे तो मैंने वीडियो क्लिप निकाला है कल रात का थोड़ा सा मतलब कैसा बनाना है बैटर तो मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। तो यहाँ पे मम्मी डोसा बना रही है और मैं खुद इनसे अभी तक सीख रही हूँ, मैं अभी तक परफेक्ट डोसा नहीं बना पाती हूँ, कोशिश करती हूँ बट इन मम्मी जैसा नहीं बन पाता है तो वही मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप इडली डोसा की रेसिपी शेयर करो जो आपकी मदर इन लॉ बनाती है घर पर, तो बहुत ही अच्छा बनता है डोसा भी अच्छा बनता है, मम्मी का इडली बहुत अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट बनाती है। तो कुछ उन्होंने बना कर रखा है, देखिए नाश्ते हमारा नाश्ता मतलब रेडी हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस डोसे का और फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। और इस बैटर से आप चाहो तो पतला डोसा भी बना सकते हो क्रिस्पी वाला और मोटा वाला ही बना सकते हो जैसे आपको पसंद है। तो आज मम्मी थोड़ा मोटा मोटा बना रही है और चटनी बनाकर मम्मी ने रखा है और हस्बैंड और देवर ने नाश्ता कर लिया है और अलीना ने फ्रेंच टोस्ट खाया है और बस अब हम चाय पी लेंगे थोड़ा और मैंने नाश्ता नहीं किया, अभी नाश्ता करूँगी, मम्मी भी करेगी साथ में। और इसी बैटर से ना इडली ही बनेगा, सेम बैटर जो मतलब डोसा के लिए मम्मी ने बनाया है सेम बैटर से मम्मी इडली भी बना रही है क्योंकि ज़्यादा हो गया था बैटर तो थोड़ा सा इडली बनाने के लिए यहाँ पर वो ग्रीस कर रही है, ऑयल डाल दिया है उन्होंने इसमें। ऐसा लेके ले जाएंगे मम्मी थोड़ा स्टीम आने दो। अच्छा पानी स्टीम होगा उसके बाद डालेंगे ना। पूड़ी नहीं बना, कल बनाएंगे, कल सुबह बनेंगे क्योंकि वो बाबूजी लेट हो जाता, उठने में भी लेट हो जा रहा है नहीं उसको आलिना को शेरिना को जामा था ना, लेट हो जाता कल सुबह मैं आटा गूंद कर देंगे। ठीक नीचे पानी में थोड़ा उबाल हल्का सा आया है तो डाल दीजिए और कुछ नहीं बस नहीं बस मैं रात को ही डालती हूँ, कोई कोई सुबह डालते हैं, मैं रात को ही डाल के रखती हूँ। हाँ अच्छा रहता है, रात को पूरा भूल जाता है अच्छे से। रात को डाल के ऐसा उसको मैश करके रख देने का और ऊपर आता है ना बाहर आने से कम रहता है ज्यादा हो जाता है ना। हाँ ऊपर ईस्ट बेकिंग सोडा कुछ नहीं डालते नहीं, ना कुछ नहीं कुछ नहीं देखिए इडली बन भी गया, बहुत जल्दी बन गया, 5 मिनट भी नहीं लगा ना, स्टील है ना जल्दी हो जाता है, जल्दी हो जाता है और जल्दी बन जाता है। तो एक ही बैटर से इडली डोसा दोनों बन गया, घर पे हम भी ट्राई करेंगे जाके, ये ले जाएंगे बर्तन छोटा सा लेके जाएंगे, यहाँ मिलता है ना मिलेगा। ओके ये मुंबई से लेके आई मैं। अच्छा अच्छा मैं जब पढ़ाई कर रहा था ना। अच्छा तब बहुत पुराना है मतलब 7 साल हो गया बर्तन का। इसका और इसका भी कोई पूछ रहा था जिसमें आप राइस बनाते हैं ना, वो कहाँ से लिए कोई पूछ रहा था मेरा सब्सक्राइबर, स्टील का हंडी था ना राइस बनाते हैं हम लोग किधर उड़पी से लिया था, उड़पी से मैंने उधर बहन है ना उधर उधर से लेके आया था। अच्छा उधर बहन है उधर से उड़पी से लेके आया। अच्छा तो उड़पी से में मिलता है ना करकला ये मिल जाता है, आप कल जाएंगे ना, मेरे को नहीं चाहिए वो बर्तन, हम क्या करेंगे, मैं सब्सक्राइबर पूछ रहा था मिल जाएगा ना, मिल जाता है ना ऑनलाइन में भी मिलता है। हाँ ठीक उसका मस्त लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट बना ना मैंने बहुत सॉफ्ट तोड़ के देखा है इसका, नहीं नहीं तोड़ने का नहीं रहने दीजिए, देख के लग रहा है सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, तोड़ के दिखाते हैं, दिखाई तोड़ के। हाँ देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो जब तक मैं नाश्ता कर रही हूँ तो मैं वो क्लिप शेयर कर देती हूँ आपके साथ कि मम्मी ने वो बैटर कैसे बनाया है इडली डोसा वाला जो बैटर है, तो तब तक आप वो क्लिप देखिए, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो ये डोसा के लिए चावल निकाला जा रहा है, ये डोसा का चावल है ना, छोटा 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 चावल डोसा का, इडली ही बनता है सेम चावल का ना, तो 1 कप चावल ले लिया मम्मी, कल डोसा बनेगा नाश्ते में तो तैयारी 1 दिन पहले से करनी होती है, प्रिपरेशन पहले से करके रखना होता है।
और ये उड़द दाल है मम्मी, उड़द दाल एक गिलास चावल, हाँ एक गिलास चावल में, और इतना ये क्वार्टर इतना हाफ से भी कम, हाफ से भी कम उड़द दाल क्वार्टर जैसा, क्वार्टर कप, हाँ क्वार्टर कप, क्वार्टर जितना भी लिया उसका क्वार्टर लेना है, फिर उसको भिगा के रखना, धो के उसको भिगा के रख देना, और साथ में मेथी वेथी डालते हैं नहीं इसमें, नहीं नहीं डालते, पहले मैं नहीं डालता, अच्छा तो बस सिंपल से 4 घंटे इसको भिगा के रखते पीस के, हाँ फिर रात भर है ना, सुबह अभी रात को 10 बजे रखे लेना, हाँ सुबह 7 बजे को हो जाता है, 7 बजे गवर्नमेंट के ऊपर आता है वो, बाहर ही रख देना है, बाहर ही रख देता है 7-8 घंटे, अच्छा उसके बाद वो बन जाता है ना, चलिए कल सुबह जो बनेगा डोसा तो दिखाएंगे, अभी मम्मी जा रही है धोने और इसी का कल बनेगा डोसा, कल दिखाएगी मैंने, ओके ओके, अंकल लेकर आए हम लोगों को ड्राइव करके एक यहाँ पे कार पार्क है, विशु आधा घंटे लगेगा, विशु ये अपॉइंटमेंट भी नहीं देते ना, ये प्रॉब्लम है ना, वॉकिंग है देख रही है, देता है लेकिन अभी हम लोग का वॉकिंग, तो आप लिए क्यों नहीं, नंबर नहीं लग रहा था सुबह से ट्राई कर, विशु मिशु सब, तो हम यहाँ डॉक्टर के पास आए थे मिशु को लेकर, एक्चुअली उसको जो नैपी रैश हुआ था ना वो ठीक ही नहीं हो रहा है, बहुत सारा रैश क्रीम लगा लिया मैंने, कोकोनट ऑयल सब कुछ ट्राई कर लिया तो ठीक नहीं हो रहा था, तो हम डॉक्टर के पास आ गए थे, एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन हो गया था मिशु को, डॉक्टर जब चेकअप किया ना तो उन्होंने बताया कि फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उन्होंने कुछ अलग सा क्रीम दिया लगाने के लिए, तो वही हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और हमने अपॉइंटमेंट नहीं लिया था क्योंकि नंबर नहीं था हमारे पास इनका इस हॉस्पिटल का, तो वॉक इन आए थे तो एक घंटे के ऊपर हमने वेट किया, काफ़ी रश था यहाँ पे, और बहुत कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, मतलब मदर्स मिल्क के बारे में, वैक्सीन जो भी बच्चों को वैक्सीन लगता है बेबीज लोगों को उसके बारे में, ये देखिए मदर मिल्क के लिए कितना सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, तो हम यहाँ पर आ गए थे, एक पहले भी हमने एक डॉक्टर दिखाया था मिशु के लिए, वो रैश मतलब रैशेज हो रहे थे, बट उन्होंने जो भी प्रिस्क्राइब किया ना कुछ रिलीफ नहीं मिला मिशु को, ठीक नहीं हो रहा था, तो फिर मम्मी ने बोला यहाँ पर आने के लिए, और ये काफ़ी अच्छा है, अच्छे पेडिट्रिक है मतलब पेडिट्रिशियन है, तो हम यहाँ पर आ गए, और बहुत कुछ मतलब लगा हुआ था बाहर में मदर्स मिल्क के बारे में, वैक्सीनेशन ये सब वैक्सीन के बारे में ये सब मैं देख रही थी, तो आपसे आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ये सब, तो फिर आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में, अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।